विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पिछली सरकार के फैसले को बदला। वो जो सौदा 250 करोड़ में हुआ था उसके बदले 1600 करोड़ रुपए में नया सौदा किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो इसकी दरें निर्धारित की गई थी उसमें कई विमान खरीदे जा सकते थे। उस समय 123 विमान खरीदे जाने थे, लेकिन कांग्रेस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 126 का ऑर्डर दिया था, लेकिन भाजपा ने मात्र 36 का ऑर्डर दिया है। वो बाकी अगर भारत में बनेंगे भी तो भी 126 के मुकाबले बहुत कम होंगे। भाजपा ने ऐसे आदमी को इनका ऑर्डर दिया जिसको सुरक्षा संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। देश की सुरक्षा से भाजपा समझौता कर रही है। यूपीए की सरकार के समय में राइफल की डील हुई थी, इसका समझौता भी तैयार हो गया था जिसकी कीमत 220 करोड़ थी, लेकिन सरकार बदली व मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अपने दोस्त को फायदा देने के लिए मोदी ने देश से गद्दारी कर महा घोटाला कर डाला, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसकी उच्चतर जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे लगता है कि अब भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।